फ्रेंड्स, अगर आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो आपको ये परेशानी कभी ना कभी आया रहेगा, क्योंकि कभी कभी वॉशिंग मशीन में आप लोग कपड़े धोते हो तो कपड़े के ऊपर सफ़ेद कलर या काला कलर का धब्बा कपड़े के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो ये जो परेशानी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, यही आपको मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरा चैनल में आप लोग नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, तो हम लोग वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धोते हो तो अगर आपका कपड़े के ऊपर सफ़ेद कलर का अगर डब्बे आते हैं तो इसका प्रॉब्लम है आपका डिटर्जेंट पाउडर। ये जो डिटर्जेंट पाउडर जो है पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है, तो ये पाउडर के जो दाना रहता है वो कपड़े के ऊपर चिपक के रह जाता है, और कभी कभी वो कपड़े के ऊपर ही रह जाते हैं। इसके वजह से वो सफ़ेद सफ़ेद डब्बा कपड़े में देखने के लिए मिलते हैं। ये जो है ज़्यादातर ब्लैक कलर या डार्क कलर का कपड़े के ऊपर ये ज़्यादा विजिबल होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसको क्या करना है, तो आपको पहले जो है डिटर्जेंट पाउडर को कंपनी ने जो डिटर्जेंट बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर ही डालना है, डायरेक्ट कपड़े के ऊपर पाउडर नहीं डालना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो नल से जो पानी आता है वो पानी को फोर्स है कि नहीं। ये जो पानी जो आता है नल से, वो डिटर्जेंट ट्रे के थ्रू मशीन के अंदर आता है, और ये पानी जब डिटर्जेंट ट्रे में से होके मशीन के अंदर आता है तभी वो पाउडर जो है डिटर्जेंट पाउडर पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अगर पानी का फोर्स अगर कम हो तो ये पाउडर पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। अगर आपका पानी का फोर्स कम रहा तो आप लोग को क्या करना है, एक जग में पानी लेना है, वो पानी के अंदर पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करके मशीन के अंदर डालना है। और कभी डालेगा पाउडर सर, कभी आप लोग लिक्विड डालेगा ये तभी डालना है जब कपड़े पानी के अंदर तरंगते, तभी जब मशीन के अंदर पानी भरने के बाद कपड़े पूरा पानी के अंदर तरंगता है तभी आपको ये सोप सॉल्यूशन आपको किधर डालना है, पानी के अंदर मशीन के अंदर डालना है। नहीं तो आप लोग लिक्विड डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का जो धब्बे आता है ये अलग प्रॉब्लम है। ये जो है ये तभी आता है जब आपका ड्रेनेज का पाइप अगर आप लोगों ने ग्राउंड लेवल से नहीं रखता है, तो देखो ये वीडियो में दिखाया मैंने, इस हिसाब से आप लोगों को क्या होना चाहिए, इस हिसाब से आप लोगों को ड्रेनेज का पाइप रहना चाहिए। अगर ड्रेनेज का पाइप इस हिसाब से रहेगा तो क्या होगा, पानी पूरा जाएगा नहीं बाहर, और कपड़े जब धोने के बाद जो मैल रहते हैं वो पानी के अंदर से पूरा पानी के साथ पूरा मशीन के बाहर ड्रेन आउट नहीं होता है, वो मैल जो है मशीन के अंदर ही रह जाता है। इसकी वजह से जब आप लोग वापस मशीन यूज़ करेगा तब ये जो काले कलर के जो मल रहते हैं वो वापस पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और वो वापस कपड़े में लग जाएगा और कपड़े में ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखने में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर वाइट स्पॉट आता है तो आप लोगों को पाउडर बराबर पानी के साथ मिक्स होता है या नहीं ये चेक करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो एक तो आपको पानी के साथ में मिक्स करके मशीन के अंदर डालना चाहिए, लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ब्लैक कलर का स्पॉट आता है तो आपको ड्रेनेज का जो पाइप है उसको ग्राउंड से हिसाब से रखना चाहिए, पाइप को ऊपर नीचे रखना नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार आप रखते हैं तो आपके ये दोनों परेशानी आपको दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी आपको समझ में आया रहेगा वो ब्लैक स्पॉट और वाइट स्पॉट क्यों आते हैं कपड़े में, आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ये कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता चला है। इस हिसाब से आप फॉलो करो, आपका जो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा।